नमस्कार, मैं आशा विजयवर्गीय आशा की कुकबुक स्वाद के संसार में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए तरबूज के जूस की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही हेल्दी जूस है। तरबूज में वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, 92% करीब करीब इसमें वाटर होता है, और पानी की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इसे हम गर्मी में आराम से सेवन कर सकते हैं। तो ठंडा ठंडा तरबूज का जूस बना के आप गर्मी में सेवन करें। इसमें कैलोरीज बहुत कम होता है, तो वेट लॉस के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह बहुत ज्यादा है, तो गर्मी के दिनों में आप इसे किसी न किसी रूप में जरूर यूज करें। तरबूज तो हम इस तरह से काट के खाते ही हैं, अब आप जूस भी बना के पिए, जो कि बहुत ही हेल्दी रहेगा। तरबूज को मैंने आधा आधा काट लिया है, अब मैं इसका व्हाइट और ग्रीन पार्ट निकाल दूंगी, बीच का रेड पार्ट ले लूंगी जूस बनाने के लिए। तरबूज के गुदे को निकाल लेंगे, अब हम छोटे छोटे पीस पहले काट लेते हैं हम इसके। तरबूज के इस पार्ट को हम खाने के काम में नहीं लेते हैं, पर इसे आप फेंके नहीं, इससे हम आराम से कैंडी और हलवा बना सकते हैं, तो उसकी रेसिपी मैं फिर कभी आपके साथ शेयर करूंगी। तरबूज के अब मैं छोटे छोटे पीस काट लूंगी। तरबूज में बीज होने की वजह से बच्चे से खाना पसंद नहीं करते, और बच्चे को जब हम खाने देते हैं तो या तो पूरा बीज निकाल के देना पड़ता है हमें इस तरह से। तरबूज का जूस आप आराम से बना सकते हो। तरबूज का जूस के लिए इसके बीज भी निकालने की जरूरत नहीं है, बस इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें इस तरह से। और व्हाइट पार्ट अगर बहुत ज्यादा हो तो उसे आप निकाल दें। इस तरह से मैं सारे तरबूज को आधा आधा काट लूंगी। बड़ा तरबूज था इसलिए अभी मैंने 1/4 ही लिया है, और 2 से 3 जनों के लिए जूस बना रही हूँ मैं। तरबूज का जूस बनाने के लिए थोड़े से पुदीना पत्ता और काला नमक, 1 नींबू लिया है मैंने। अब मैं सबसे पहले एक मिक्सी का जार लूंगी। मिक्सी के जार में अब मैं थोड़ा सा पुदीना पत्ता डालूंगी, करीब 10-15 पत्ते, आइस क्यूब 3-4, आधी चम्मच से थोड़ा कम काला नमक, 1 चम्मच जैसा नींबू का रस। पहले मैं इसे एक बार पीस लूंगी, जिससे कि पुदीना का पत्ता थोड़ा अच्छे से पिस जाए। तरबूज के टुकड़े को मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है, अब इसे हम पीस लेंगे और थोड़े से तरबूज के टुकड़े को रख लिया है मैंने। ये बहुत जल्दी पीस जाता है, बस कुछ सेकंड पीसे। इसे भगोनी ले ली है, उसमें अब मैं एक छन्नी रखूंगी और जो तरबूज को मैंने पीसा है वो इसमें निकाल देंगे। अच्छी तरह से छान लेंगे, पल्प को थोड़ा सा रगड़ रगड़ के निकाल लेंगे। बीच बीच जाने से इसका टेस्ट खराब नहीं होगा, तो आराम से आप इसे पीस के जूस बना सकते हैं। और अगर आप मिक्सी के जार में पीसना नहीं चाहे तो इसे कद्दूकस करके भी इसका जूस निकाल सकते हैं, या हाथ से मसल के इसका जूस निकाल लें। अब ये जो पल्प बचा है इसे मैं एक बार मिक्सी के जार में डालकर वापस से थोड़ा सा पीस लूंगी। पूरा जूस को मैंने छान लिया है और बहुत थोड़ा सा पल्प बचा है इसमें, हल्का सा बीज का ही पार्ट बचा है, वेस्टेज बहुत कम होता है, पूरा जूस निकल जाता है पीसने के बाद। अच्छी तरह से जूस निकल गया है, अब मैं इसे सर्व करूंगी। कांच का ग्लास ले लिया है सर्व करने के लिए। अब मैं सबसे पहले इसमें आइस क्यूब डालूंगी, 3-4 आइस क्यूब डाल दें। अब इसमें मैं डालूंगी तरबूज के छोटे किए हुए पीस, जिसे मैंने हाथों से थोड़ा सा क्रश कर लिया है,
अब जो जूस पीस के रखा है वो इसमें डाल दूंगी। अगर तरबूज कम मीठा हो तो आप इसमें थोड़ी सी पीसी हुई चीनी भी मिला सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर से धार बनाते हुए डालें। पुदीना के पत्ते जिसे मैंने छोटे टुकड़े में काट लिया है उसे गार्निशिंग कर देंगे। आप चाहें तो छोटा सा टुकड़ा तरबूज का भी लगा सकते हैं इस तरह से। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए और आप उसे सबसे पहले देख पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।